भारत माता की, भारत माता की। मंच पे विराजे सभी अतिथिगण, दूर दराज के आए मेरे सभी किसान भाइयों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। जब मैं सुल्तानपुर की धरती पर आता हूं तो मुझे मेरा परिवार लगता है, और ये परिवार हमेशा समृद्ध रहे, खुशहाल रहे, हर चेहरे पे खुशी आए, ये मेरा हमेशा प्रयास रहता है। और इसीलिए मेरा प्रयास अनवरत जब तक चलता रहेगा, जब तक दूर दराज के गांव में बैठा हुआ किसान मजदूर के चेहरे पर खुशी नहीं आ जाएगी, हम सब मिलकर लगातार प्रयास करते रहेंगे। आज हमें खुशी है कि हमारे वैज्ञानिकों के प्रयासों से, हमारे नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के निर्देशों पर आज चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग भारत के इतिहास के लिए नहीं, पूरे विश्व के इतिहास के लिए स्मरणीय है। आज दुनिया भारत को देख रही है। हमारे प्रधानमंत्री जब अफ्रीका में आ जाते हैं तो सारे देश भारत के प्रधानमंत्री से मिलते हैं। क्या हमें भारत का जैसा आर्थिक विकास चाहिए, हमें भारत का जैसा सामाजिक विकास चाहिए। 140 करोड़ का देश, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश, दुनिया के अंदर सबसे मजबूत लोकतंत्र वाला देश, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा नौजवान वाला देश आज भारत है, और दुनिया का सबसे मजबूत नेतृत्व प्रधानमंत्री के रूप में वह नरेंद्र मोदी आज भारत का प्रधानमंत्री है। यह भारत वालों वासियों के लिए गर्व है, और मुझे खुशी होती है जब आपके आशीर्वाद से मैं संसद सदस्य चुनकर भेजा, लोकसभा के अंदर मैं बदलते भारत की तस्वीर को देखता हूं, और बदलते भारत की तस्वीर में सब सामूहिकता से काम करें, सब मिलकर काम करें, लोकतंत्र में जहां पर विरोध की बात हो विरोध भी करें, नीतियों पर सवाल भी उठाएं, लेकिन बढ़ते हुए विकसित भारत के लिए सारा देश मिलकर काम करे, ये मेरी हमेशा अपेक्षा रहती है। और इसीलिए हर मुद्दों पर जो देश हित के मुद्दे हों, जो भारत को आगे ले जाने के मुद्दे हों, जो भारत के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के मुद्दे हों, उन मुद्दों पर ज्यादा से ज्यादा चर्चा होगी तो ज्यादा से ज्यादा देश विकास आगे बढ़ेगा। आज हम 75 साल की इस लोकतंत्र की यात्रा के अंदर दुनिया में कह सकते हैं कि भारत की जनता लोकतंत्र पर आस्था रखती है, विश्वास रखती है, और इसीलिए 75 वर्ष की यात्रा के अंदर सहज रूप से जनता ने जिसको जनमत दिया उसकी सत्ता बनती है, और सत्ता परिवर्तन होने का काम यहां पर चलता रहता है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें विवेक से वोट देना चाहिए, समझकर वोट देना चाहिए। कौन सी सरकार जनता के हित में फैसला कर रही है, कौन सी सरकार जनता के लिए कल्याण का काम कर रही है। जनता के धन का एक एक पैसा ठीक से उपयोग हो, उसकी जिंदगी को बेहतर करने के लिए उपयोग हो,
उसकी गांव के चिकित्सा शिक्षा मूलभूत सुविधाओं का अभाव न हो, एक कल्याणकारी राज्य का ये दायित्व होता है। और इसीलिए जब मैं गांव में जाता था, नौजवानों को देखता था, तो कई गांव के अंदर हजारों नौजवान मुझे मोबाइल जरूरते जरूर मिलते थे, लेकिन अब नौजवानों को अगर हम खेल के मैदान की ओर ले जाएं, जितना नौजवान खेल की ओर जाएगा, तन रहेगा, मन रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। नहीं तो 40 साल 50 साल बाद डॉक्टर कहेंगे डायबिटीज हो गई है, जरा 4 किलोमीटर घूमो। इसलिए हम कौन सी पीढ़ी तैयार करना चाहते हैं? हम नौजवान की वह पीढ़ी तैयार करना चाहते हैं जो मन से स्वस्थ हो, तन से स्वस्थ हो, शरीर से स्वस्थ हो, जिसकी बौद्धिक क्षमता अद्भुत हो, जिसमें नए इनोवेशन, नए रिसर्च, नए चिंतन करने की सोच की ताकत हो। और साथियों, मैं दुनिया के कई देशों में जाता हूं, आप वक्त का इंतजार करो, दुनिया के अंदर भारत का नौजवान ही नेतृत्व करेगा। जब दुनिया के देशों में जाता हूं तो वहां आईटी का इंजीनियर कौन? भारत का नौजवान। वहां डॉक्टर कौन? भारत का नौजवान। वहां योगा टीचर कौन? भारत का नौजवान। वहां शिक्षक कौन? भारत का नौजवान। वहां चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन? भारत का नौजवान। वहां का नर्सिंग स्टाफ कौन? भारत का नौजवान। कोई क्षेत्र नहीं जिस क्षेत्र पर भारत का नौजवान दुनिया में नेतृत्व नहीं कर रहा हो। और इसीलिए हमारे नौजवानों की ताकत बढ़ रही है। दुनिया के अधिकतम देशों में नौजवानों की जनसंख्या घटती जा रही है। कई देशों की तो हालत ये, उनकी सबसे बड़ी चिंता एक ही है कि हमारे यहां नौजवानों की संख्या कम होना, और वहां पर रोजगार ज्यादा है लेकिन काम करने वाले नहीं है। और इस समय आने वाले समय में भारत का नौजवान स्किल्ड होगा, दक्ष होगा, इनोवेशन होगा, सामर्थ्य होगा, तो कौन करेगा दुनिया के नेतृत्व? भारत का नौजवान करेगा। जब भारत का नौजवान योगा टीकर जाएगा तो कौन सी संस्कृति फैलाएगा? भारत की संस्कृति। जब कोई मास्टर जाएगा, शिक्षक जाएगा, तो वहां क्या पढ़ाएगा? मैं भारत का शिक्षक हूं। कोई नर्सिंग स्टाफ सेवा करने जाएगा तो कौन कहेगा? मैं भारत से आया हूं। कोई डॉक्टर किसी की जान बचाने का काम करेगा तो भारत का डॉक्टर हूं। तो भारत की ताकत बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? आज चंद्रयान 3 के अंदर दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश जो अपने आप को विज्ञान टेक्नोलॉजी विज्ञान में आगे मानते थे, वह चंद्रयान 3 पर लैंडिंग नहीं कर पाए, भारत के वैज्ञानिकों ने लैंडिंग कराई। यह ताकत भारत की। और इसीलिए मैं बार बार नौजवानों को इसलिए कहता हूं, खेल के मैदान में खेलो, अच्छी शिक्षा प्राप्त करो, उच्च शिक्षा प्राप्त करो। इसलिए आज सुल्तानपुर जैसे गांव के अंदर 75 साल बाद 4.5 करोड़ रुपए का स्टेडियम बन रहा है, और 3 साल बाद इस स्टेडियम के अंदर 15 करोड़ रुपए और लगाकर इस स्टेडियम को बेहतरीन स्टेडियम बनाएंगे। आने वाले गांव के अंदर नौजवान थोड़ी देर वहां खेले, उसके लिए खेल मैदान होगा, खेल मैदान विकसित करेंगे। और इसीलिए हमने नौजवानों को खेल कूद की प्रतियोगिता कराई, गांव गांव में क्रिकेट की प्रतियोगिता कराई, हमारी महिलाओं ने रस्सा कस्सी का खींचने का काम किया। कल मैं दंग रह गया, केशराय पाटन के अंदर गांव के अंतिम छोर पर बैठी महिलाएं रस्सा कसी खींच कर इनाम जीत रही थी। ये ताकत हमारी महिलाओं की है। कबड्डी में महिलाएं खेली, क्रिकेट हो गया, कबड्डी होगी, रस्सा खींच होगी। ये खेल का मैदान जवानों में नई ताकत पैदा करता, और इसलिए प्राथमिकता है कि खेल का मैदान हो। कोटा जिले के अंदर
अभी कुछ स्कूलों के आप कमरों के शिलान्यास देख रहे हो, कोई के लोकार्पण देख रहे होंगे। मेरा भरोसा है कि अगले 3 साल में मैंने कार्य योजना बनाई है, हर गांव के अंदर पर्याप्त स्कूल के अंदर कमरे होंगे और हर गांव का बच्चा कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करे, उसके लिए एक पंचायत में एक एक कंप्यूटर सेंटर होगा ताकि टेक्नोलॉजी की शिक्षा प्राप्त कर सके। हम ऐसी पीढ़ी तैयार करना चाहते हैं जो शिक्षित हो और हमसे विकसित आगे देश को बने थे कि हमसे पहले वहां शिक्षा पहुंच गई थी, इनोवेशन हो गया था, रिसर्च हो गया था, तकनीकी आ गई थी, इसलिए हमसे आगे बढ़े थे। कोई हमारे नौजवान में ताकत कमजोर नहीं है, इसलिए भारत के प्रधानमंत्री ने कहा आने वाले समय के अंदर भारत का नौजवान नेतृत्व करे, उसकी स्कूल शिक्षा बढ़िया हो, टेक्नोलॉजी हो, गांव गांव में फाइबर केबल पहुंचे और हर गांव की ढानी के अंदर बैठकर देश और दुनिया को मोबाइल पर नौजवान देख सके। ये ताकत, ये नई सोच भारत के प्रधानमंत्री की है और इसीलिए शिक्षा, खेल और कोविड के समय हमने देखा था कि गांव के अंदर चिकित्सा का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कमजोर था। मुझे तो पता है कि मुझे दुख होता था कि एक महिला आंगनबाड़ी की सहयोगी 6-6, 7-7, 10-10 किलोमीटर दूर अपने पति के साथ, बेटे के साथ जाती थी, इलाज करती थी। कोविड हुआ तो गांव में ऑक्सीमीटर नहीं, थर्मामीटर नहीं, बीपी मशीन नहीं, क्या हालत है। मैंने उसी समय रात को मुझे नींद नहीं आई जब लोगों ने कहा कि गांव के अंदर लोग ऑक्सीजन के कारण जानकारी के अभाव के अंदर मर रहे हैं। मैंने दिल्ली के बाजार में कहा जितने ऑक्सीमीटर हो, थर्मामीटर हो, सब खरीद के ले आओ। हर गांव के अंदर नौजवान दौड़ा और हर गांव के अंदर नौजवान के पास ऑक्सीमीटर था, थर्मामीटर था और हर गांव के अंदर वो स्वास्थ्य नौजवानों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने गांव में अपनी जान जोखिम में जाकर गांव को बचाने का काम किया। और इसीलिए आगे की योजना ये कि सरकार अपना काम करेगी, पीएससी सीएससी डिस्पेंसरी खोलेगी, लेकिन मुझे भी कुछ काम करना है। जिन गांव के अंदर पीएससी नहीं है, सीएससी नहीं, हेल्थ सेंटर नहीं है, इस 2 साल के अंदर हर गांव के अंदर एक महिला, एक नौजवान स्वास्थ्य कार्यकर्ता होगा जिसके पास बीपी की मशीन होगी, शुगर नापने की मशीन होगी, थर्मामीटर होगा, ऑक्सीमीटर होगा और वह प्रारंभिक जांच करेगा और प्रारंभिक जांच के अंदर कुछ कमी आई उसको तो इमीडिएटली वह पीएससी सीएससी में दिखाएगा और अगर वहां ठीक नहीं आएगा तो कोटा दिखाएगा, नहीं तो जयपुर दिल्ली दिखाएगा ताकि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे। पिछली बार मैं सुल्तानपुर में वादा करके गया था कि आने वाले समय के अंदर पहियों के अंदर हॉस्पिटल होगा, आप भूल गए होंगे, लेकिन मैंने इसी सुल्तानपुर में कहा था। लोगों ने कहा कैसे होगा, मैं ऐसे नहीं कहता हूं, पहले बात करता हूं और 3 पहियों पे हॉस्पिटल डिस्पेंसरी गांव गांव जारी है, 27 तरह की जांचें होती है और जहां प्रारंभिक दवाई की आवश्यकता है निःशुल्क दवाएं भी दी जाती है। कई लोगों के आंखों के ऑपरेशन की आवश्यकता है तो आंखों का ऑपरेशन लगाए। तो जब हर गांव के अंदर कुछ लोग जानकारी जाएंगे, जैसे टेलीफोन किया, अरे भाई हमारा बीपी बढ़ गया, गिरावट, छोटा छोटा जांच करी, देखा, मैंने देखा है मेरे घर जैसे दिल्ली आवास पर एक व्यक्ति काम करते करते एकदम उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा और ब्रेन हेमरेज हो गया, वो जिंदगी मौत से खेल रहा है। उस दिन मुझे नींद नहीं आई। कितने होंगे गांव में इनको पता ही नहीं होगा कि उनके बीपी बढ़ी हुई है, शुगर बढ़ी हुई है, आंखों के अंदर काला पानी हो गया है, वो आंखों की जांच नहीं करा रहे। इसलिए हर गांव के अंदर मैंने कहा कि हर गांव के अंदर 2-2 स्वास्थ्य कार्यकर्ता तैयार करेंगे, उनको छोटे मोटी गोली रहेगी, प्रारंभिक जांच रहेगी ताकि एकदम कोई घटना घटे तो कम से कम बात कर ले और उनकी जानकारी एम्बुलेंस लाने की होगी, तुरंत पास में एम्बुलेंस हो, वो एम्बुलेंस करा के उसको हॉस्पिटल ले जाए ताकि देखो बाकी ऊपर नीचे जाने वाले तो भगवान पर, लेकिन एक आदमी को क्या होना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए।
कोशिश करते रहना चाहिए। कई बार बुजुर्ग मुझे कहता जी साहब उम्र होगी अब काय करना चाहिए, ये नहीं, हमारी कोशिश होना चाहिए एक जनप्रतिनिधि की। और इसलिए मैंने पिछली बार भी कहा था, मैं कार्यकर्ताओं से फिर गांव में कह रहा हूं, हर गांव में हर घर पर जाओ, कोई बुजुर्ग को अगर कम दिख रहा है तो नोट करो उसकी आंखों का ऑपरेशन का कैंप लगाएंगे, जहां जांच होगी ऑपरेशन कराएंगे, जहां चश्मे के निःशुल्क होगी चश्मा देंगे, कोई कान से नहीं सुन पा रहा हो तो उसकी कान की मशीन लगाएंगे, कोई को चलने फिरने में दिक्कत आ रही है तो उसको बेद देंगे, कोई के कमर में दर्द हो रहा है तो उसको पट्टा देंगे, कोई के गले में दर्द पट्टा हो रहा है तो उसको गले का पट्टा देंगे, किसी के हाथ नहीं तो हाथ लगाएंगे, किसी के पेड़ नहीं तो पेड़ लगाएंगे। और मैं कहना चाहता हूं कार्यकर्ता आज से काम शुरू कर दे लिस्ट बनाना, 15 तारीख से उनका असेसमेंट कराएंगे और एक महीने बाद अक्टूबर की 5 तारीख को फिर सुल्तानपुर आऊंगा और मेरे गांव के हर व्यक्ति को जो कपोट नहीं है, किसी मानो घुटने पे बैठने की दिक्कत आ रही है तो उसको वेस्टर्न कोर्ट की लेटरिंग देने का काम करेंगे। जिसका भी इलाज घुटने का कराना है निःशुल्क घुटने का इलाज कराएंगे, आंखों का ऑपरेशन कराएंगे, कैंसर की गाड़ियां पिछली बार आई थी, मेरा यह कहना है कि कार्यकर्ता विचार कर ले तो उसका कोटा से दिल्ली तक इलाज कराएंगे ताकि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, बिना धन के अभाव में कोई न मरे, ये हमारी जिम्मेदारी, में फिर के जा रहा हूं। इसलिए आप देख रहे होंगे आज गांव के अंदर विकास के नए आयाम खड़े हुए हैं, लेकिन अभी काफी बाकी हैं, क्योंकि एक काम को देने में पूरी प्रक्रिया में 1 साल लगता है, जो आप आज कागज दोगे 1 साल बाद उसके परिणाम आने लगेंगे, लेकिन आप गांव में बैठो गोष्ठी करो, अपने गांव की क्या क्या समस्याएं हैं, पहली समस्या है क्या क्या है, कागज दे के आए, जो आप कागज दोगे आज नहीं कल उस कागज की खाना पूर्ति होगी, ये मानकर ही चलना, लेट हो सकते हैं, ये काम भी कई बार साल पहले दिए होंगे आज हो रहे होंगे। मैं सुल्तानपुर जब से आ रहा था, जब से लोग कहते खेल स्टेडियम बनाओ खेल स्टेडियम बनाओ, मैंने कहा बनेगा, लोग कहते थे 50 लाख का बना दो, मैंने कहा 50 लाख का नहीं 4.5 करोड़ का बना, 4.5 को बन गया। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर, महिलाओं को रोजगार, हर गांव के अंदर 5 से 10 महिलाओं को तैयार करो, जो गांव के अंदर लोकल प्रोडक्ट बनाए, लोकल प्रोडक्ट को बेचने का काम हम करेंगे। हमने दुनिया की बड़ी मार्केटिंग कंपनियों से बात की है, मैंने कहा तुम स्पीकर साहब के इलाके में एक काम करो, उन्होंने कहा क्या काम करना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी महिलाएं जो प्रोडक्ट बनाती है उसको बेचने का काम करो और उस पर कमीशन मत लो। उन्होंने कह दिया कि फिलिप्स और बड़ी बड़ी सारी कंपनियां गांव के प्रोडक्ट को बेचेगी और कोई कमीशन नहीं लेगी, जो 30% कमीशन लेते हैं कमीशन लेगी ताकि गांव की महिलाओं को रोजगार मिल जाए, हर गांव के अंदर महिलाओं को रोजगार मिले, स्वरोजगार पर खड़ी हो। पिछली बार हमने पशुपालन के अंदर किसान क्रेडिट कार्ड की योजना बनाई थी, कुछ लोगों को मिला कुछ लोगों ने मिला, जो नहीं मिले गांव गांव में लिस्ट बनाते जाओ, फिर बैंक वालों से कहेंगे कि लोन दो और फिर डेयरी के अंदर दूध बेचो ताकि आपको 100 रुपया 200 रुपया रोज बच जाए ताकि गांव के अंदर पशुपालन का नया उद्योग खड़ा हो सके। गांव के अंदर खेती के अकेले से काम नहीं चलेगा, खेती भी बढ़ेगी, आने वाले समय में अंदर जब दिल्ली बंबई का रोड बन जाएगा तो यहां पर व्यक्ति सब्जी उगाएगा, 4 बजे उगाएगा तो 8 बजे दिल्ली के बाजार में बिकेगी, तो सब्जी का भाव महंगा मिलेगा, सब्जी उगाना सीखो, फल लगाना सीखो। आने वाले समय के अंदर भी रोड कनेक्टिविटी बनी है, शोपुर दिगोर रेल लाइन का सर्वे करने का काम शुरू कर दिया है, बहुत जल्दी सर्वे पूरा होने के बाद दिगोद से रेल से भी जुड़ने का काम होगा। मैं पीपलदा जाता था, पीपलदा अकेले कहते थे और नहीं कहते थे, पीपलदा ले कहते थे मां को रेल को काय होगा, मैंने इंतजार करो रेल भी आएगी। अभी सर्वे शुरू हुआ है,
और ये शोपुर से दिगो जुड़ने के बाद एक रेल लाइन के कनेक्शन हो जाएगा। इससे मेरा आप लोगों से निवेदन है कि चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, मजदूर हो, कितने किसकी इसकी में गांव का आदमी, अभी मुझे ताज होटल के व्यक्ति मिले, उन्हें मैंने कहा एक स्किल सेंटर खोल दो, उन्होंने कहा 100 लोगों को हम ट्रेनिंग देंगे और 100 लोगों को रोजगार हम देंगे, ये काम हम करेंगे। ऐसे कितने लोगों का काम खोल सकता हूं। गांव में लिस्ट बनाना शुरू करें नौजवान, ये 10 नौजवान है, 20 नौजवान है, ये काम सीखना चाहते हैं, वह काम सीखना चाहते हैं। आपने मुझे दिल्ली भेजा है और दिल्ली में मेरे से दूर कोई नहीं है, मानकर चलना, बस आप काम बताना, बाकी सब हो जाएगा। जैसे होटल वालों, एक होटल खोलेगा, दो होटल खोलेगा, तीन होटल खोलेगा, होटल के व्यक्ति में काम करेगा, ट्रेनिंग करेगा, वही होटल वाला उसको नौकरी लगाने का काम। जितने भी स्किल के सेंटर हैं, वो कितनी इंडस्ट्रीज वाले कह रहे हैं हमसे कि हम स्किल के सेंटर खोलना चाहते हैं बिरला जी, वो स्किल सेंटर के अंदर लोग ढूंढे पर लिस्ट बना के रखें, हमें ये काम करना है, काम नौकरी भी वही देंगे, जो स्किल की ट्रेनिंग कराएंगे नौकरी भी वो देंगे। लेकिन एक काशियत है अपने हड़ौती की, मुझे देश और दुनिया में सब जगह के लोग मिल जाते हैं, हड़ौती के लोग कहीं नहीं मिलते मुझे। मैंने पूछा, मैंने कहा मैं कहीं जाता हूं तो वहां पे खाने वाला वेटर कहां का मिलता है, उत्तराखंड का। खाना बनाने वाला कहां मिलता है, उत्तराखंड का। दुनिया के जितने देशों में गया मैं, उन देशों में सब देशों के लोग मिल गए मुझे, केरल के मिल गए, तमिलनाडु के मिल गए, उत्तराखंड के मिल गए, मुझे कोटा का कोई और हड़ौती का कोई व्यक्ति कहीं नहीं मिलता, न कोटा में मिलता, न कलकत्ता में मिलता, न गुवाहाटी में मिलता। मैं उन वेटरों से पूछता कहां गए हो, उन्हें कहा असम के, उन्हें कहा दार्जिलिंग के। मैं जिस जगह पूछता हूं ये ढूंढता है, मुझे कोई कोटा का नौजवान मिल जाए, कभी नहीं मिलता है। मैंने कहा क्यों नहीं मिलते, दो टाइम की रोटियां मिल जाओ, चाहे आनंद से क्यों जाओ वहां। मतलब मैं युवा मोर्चा में था तब भी हमारे साथी युवा मोर्चा कोई चूरी को कॉम्प्रेंस करते थे, कोई पाली वाले बॉम्बे में दिखते थे, कोई डूंगरपुर वाले बॉम्बे में दिखते थे, कोई चेन्नई में दिखते थे, पर मुझे हाड़ोती का कोई व्यक्ति कभी नहीं मिला। अब नौजवानों, बदल रहा है देश तो अपने को ही बदलना पड़ेगा, कुछ कोटा से आगे भी देश को देखना होगा। खुशी है, हमारा एक नौजवान खेराबाद का उस टीम में था, पर मेरे तो हर नौजवान निकलना चाहिए। हमने यहां पर ट्रेनिंग सेंटर खोला आईएएस की, कि आईएएस नौजवान बने, निशुल्क कराया लोगों को। अगर कोई आईएएस मिलेगा तो सवाई माधोपुर में मीणा मिल जाएगा, बांदा कोई का मिल जाएगा, यहां का मिल जाएगा, वहां मिला, हड़ौती का मीणा कोई आईएएस भी एक दो मिलता है, ये भी एक खालियत। देखो आप चले जाओ जितना भी है, सवाई माधोपुर, जयपुर, वह सब मिल जाते हैं। क्यों मीणा जी गलत करी चुके, इक्का दुक्का मिलता है। सवाई माधोपुर का 100 होगा तो हड़ौती का एक होगा, क्या कारण है मुझे समझ नहीं आता। आप बताओ कितने मिलते हैं, मैं तो सब लोगों से मिलता हूं तो पूछता हूं कहां का मीणा। मैंने कहा राजस्थान में, हाँ। मैंने कहा कोई कोटा का मिल जाए, कोई नहीं मिलता है। मेरा यही आग्रह आपसे कि मेरे मन की इच्छा है, आपने मुझे भेजा तो मैं भी दिल्ली गया ना, और दिल्ली गया तो पार्लियामेंट में गया, और पार्लियामेंट में गया तो देश देखता हूं, तो देश देखता हूं तो मेरी मन की इच्छा नहीं होती कि मेरा व्यक्ति भी आगे बढ़े। मुझे जीना या मरना या मेरा तो सब कुछ कर्म क्षेत्र सब कुछ यही है। मुझे एमएलए यहां बनाया, एमपी आपने बनाया, सब कुछ बनाया, तो मेरी जिम्मेदारी ये बनती नहीं बनती कि मेरा व्यक्ति भी दुनिया का राज करे, मेरा व्यक्ति भी देश के अलग अलग राज्यों में राज करे, मेरा किसान भी कोटा की सब्जी उठाए तो दिल्ली, दिल्ली की हो तो बंबई के अंदर बेचे, मेरा किसान भी यहां फूल उगाए तो उसकी महक दुनिया के अंदर जाए। यहां पर सब कुछ है, पानी है, अच्छी जमीन है, सब कुछ है यहां पर। जो कुछ कमी है आप मुझे बताओ,
सारा माल दुनिया के अंदर किस कोने में कहां बिकना है ये मेरी जिम्मेदारी होगी। आप उगाने का काम करो, बिकाने का काम मैं आपका करूंगा। जो आपको यहां रेट एक रुपया मिलती है वहां आपको डेढ़ रुपया रेट मिलेगी, आप इसकी चिंता मत करो। और इसीलिए मैं जब भी आपके बीच में आता हूं मुझे नई ऊर्जा मिलती है और मैं मेरे मन की भावनाओं आपके सामने व्यक्त करता हूं। आप निश्चित मानो जो छोटे मोटे काम आप एप्लीकेशन देते हो समय लग जाएगा। अभी सरकार ने क्या हुआ कि सारा दल लगा दिया बांटने में, तो रोड कहां से बनेगी? पैसा तो एक, खर्चा दस, तो का हिसाब किताब बैलेंस बिगड़ जाओगे ना। तो राज्य का बैलेंस बिगड़ता दिख रहा है अभी मुझे। इसलिए आप वक्त का इंतजार करो, समय बदल रहा है, मौसम भी बदल रहा है, दिसंबर के बाद सब बदल जाएगा, सब कर देंगे, आप चिंता मत करो। जो आप बताओगे राज्य और केंद्र की सरकार एक होगी, कोई ऐसा विषय नहीं रहेगा जो तीन महीने के अंदर पूरा निकट डालेंगे। इसलिए मैं अभी भोजन के समय आप सबसे मिलूंगा, एक एक व्यक्ति से मिलूंगा। मेरे को पहली बार केशव पाटन ने, एक व्यक्ति ने एप्लीकेशन दी यूरिया की कमी की। कोई बताएगा नहीं तो पता कहां से चलेगा। पहले भी यूरिया की कमी आने दी थी, आज के जा रहा हूं, आज के बाद तीन दिन बाद कोई यूरिया की कमी किसी गांव ढाणी के अंदर नहीं रहेगी। जिस गांव में चाहोगे, जिस ढाणी में चाहेंगे, सब जगह यूरिया सबसे ज्यादा मिलेगा तो आपके इलाके में मिलेगा, कोई कमी नहीं आएगी। डीएपी भी मिलेगा। इसलिए जब भोजन पे बैठूं, जब और भी मुझे कोई आपकी जानकारी देना, मैं आपके साथ अभी और रुकूंगा, व्यक्तिगत चर्चा भी करूंगा। और मुझे आशा है हम सब मिलकर अपने अपने गांव के अंदर लोगों की जिंदगियों को कैसे बदल सकते हैं, सामूहिकता काम करना है, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में खुशी आए, बदलाव लाए, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। मैं यही कार्यकर्ताओं से हमेशा कहता हूं, हमारी आंखों से सबसे अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए लग जाओ, इससे पुण्य और धर्म का काम जीवन में कुछ नहीं हो सकता। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।